हेलो हेलो यस मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड यस मैम, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मॉर्निंग मैम। तो आप लोगों का डिसाइड हो गया है कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाला है, कौन क्या परफॉर्मेंस करने वाला है? यस मैम। हाँ मैम, हाँ मैम। बताओ फिर, प्लान क्या है आप लोगों का आगे का? मैं कैटरिंग का देखने वाली हूँ। दीक्षा, ओके। मैम मैंने ही कैटरिंग का मतलब, मैम हमने ग्रुप पे मतलब मैसेज डाले थे जिसको जिसको जो लेना है, तो अच्छा, मैंने कैटरिंग का ली थी मैम। जयश्री ने कुछ तो भी लिए थे और स्वाति ने और शुभांगी ने भी डिसाइड की थी क्या लेना है करके। तो कुछ लिख के रखा है कि नहीं रखा है? बस पता है लिया है, लिया है कर रहे हो। मैम जो गेस्ट रूम स्टूडेंट का पार्टिसिपेट रहता है मैम, वो कितने जन आएंगे, कितनी ये मैम, वो वाला मैंने लिया है। मैम कितने स्टूडेंट है वो सब मैंने लिया है स्टार्टिंग वाला। जयश्री मैंने लिया है वो। नहीं, मैंने आपसे पहले बोला था शुभांगी, देखो मैसेज सबसे पहले बोला था। मैम मैंने साउंड सिस्टम लिया है। शीतल ने साउंड सिस्टम लिया है। ओके, दीक्षा मैम मैंने कैटरेस कर ली हूँ, मतलब कितना खर्चा आएगा वो वगैरह। और निशा ने दोनों को कैटरस का लिया है। मैम पहले हमने कल ही डिसाइड किए थे मैम, ग्रुप पे मैसेज डाली थी, अभी पता नहीं दीक्षा का। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कौन लाने वाला है, कलेक्शन कौन लाने वाला है, इनविटेशन का काम कौन करने वाला है, टीचर्स को स्टूडेंट को इनविटेशन कौन डिवाइड कर रहा है? ठीक मैम आरती और अर्पिता वगैरह डिसाइड करने के मैम पता नहीं अभी। है, मैं एवरेज निकलने वाली हूँ। एवरेज काय का बेटा स्वाति? मैम मतलब कितने कितने पैसे लगते हैं, जैसे कैटरिंग को वगैरह वैसे डिसाइड प्रेरिका, आप कुछ नहीं कर रहे हो? करने क्यों मैम? क्यों, आप लोगों को मिलके बोला है ना करने के लिए, तो अलग अलग कैसे डिसाइड कर रहे हो? यस मैम, मैम इनविटेशन का कैसे करना पड़ेगा? आप इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हो डेकोरेट करके? वैसे एक प्रिंसिपल के लिए, एक गेस्ट लेक्चर के लिए, गेस्ट जो भी आएगा, गेस्ट आपको एक आपको जो जज बन के आएगा उनके लिए, हाँ मैम, बाकी टीचर्स के लिए, कॉमन बनाओ जिसमें सब टीचर्स का नाम लिखे, उसके सामने आपको टीचर्स को कार्ड देना है, उनको रीड कराना है और वहां पे उनकी साइन लेनी है। सारे जो कॉमन टीचर्स है, बट प्रिंसिपल को जो आपके प्रोग्राम के जो गेस्ट है उनके लिए तो आपको स्पेशल बनाना पड़ेगा ना इंडिविजुअल अलग अलग। मैम तो ऐसे कितने इनविटेशन कार्ड बनाने पड़ेंगे? एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रिंसिपल सर के लिए और एक जो भी गेस्ट आएगा उनके लिए, तो तीन आपको इंडिविजुअल बनाना है अलग अलग, तीन पर्सन के लिए हाँ तीन मैम, कार्ड बनाने हैं। और एक बड़ा कार्ड बनेगा जिसमें सारे टीचर्स के नाम रहेंगे और सारे टीचर्स को आपको देना है उनको, और वहां पे उनकी साइन लेनी है। मैम
हेलो गर्ल्स, डिस्कस करो आगे का बताओ कौन क्या करने वाला है। आप लोगों को डिस्कस करने पूछो तो आप लोग सब चुपचाप हो जाते हो। क्लास के बाद भी आप लोग बात नहीं करते ग्रुप में, ना ग्रुप में मैसेज करते ना टेक्स्ट करते हो। अब जब बोल रही हूँ यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो वो भी नहीं कर रहे हो। हेलो मैम, मैं इनविटेशन करूंगी, इनविटेशन कार्ड का। ओके मुझे मत बताओ बेटा, आप लोग ग्रुप में डिसाइड करो। किसने लिख के नहीं रखा है कि बेटा सारी चीजें, मैं आपके लिए रफ प्लान बना के दे रही हूँ तो आप लोग अपना रफ प्लान नहीं बना सकते हो। ओके तो पहले क्या हुआ, डिसाइड इनविटेशन, दिख रहा है स्क्रीन? ये कौन कर रहा है? दीक्षा कर रही है, ठीक है, दीक्षा कर रही है वाला काम। उसके बाद मैम टोटल स्टूडेंट एंड टोटल फैकल्टी मैं कर रही हूँ। कैटरिंग का कौन कर रहा है? कैटरिंग का मैं कर रही मैम, निशा देशमुख। निशा, तो आप कैटरिंग में क्या देख रहे हो, मेन्यू देख रहे हो कि पैसा देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दोनों भी नहीं कर सकते मैम, केक ही करना है। तो मेन्यू आप अकेले डिसाइड करोगे क्या बेटा? वो भी आपको बाकी लड़कियों से पूछ के डिसाइड करना है। मैं करती मैम निशा के साथ। आपके साथ मिलके करना पड़ेगा ना बेटा मेन्यू, बाकी आप देखो, बाकी आप चीजें देखो। आपको क्रिकेट को पार्टी मिल रही है हर जगह पे, दो तीन कैटर्स को देखो कौन से प्लेयर, कौन से कैटर सबको ज्यादा कम्प्लेट ले रहा है। थोड़ा कम करो, थोड़ा सा उसके बाद डीजे कौन देख रहा है? म्यूजिक सिस्टम, मैं साउंड सिस्टम देख रही। क्या क्या नाम है आपका? शीतल। ओके शीतल देख रही है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ। वाला नहीं अच्छा लग रहा। टोटल स्टूडेंट एंड फैकल्टी मैम कौन देख रहा है? जयश्री। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट जयश्री। कलेक्शन कौन कर रहा है? पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है? अरे पैसा कहाँ से ला रहे बेटा, कौन कलेक्ट कर रहा है? मैं करूं मैम? नाम बताओ। प्रेरिका। कलेक्शन कौन कर रहा है? प्रेरिका। प्रेरिका, प्रेरिका आपके साथ कोई एक और जन को ले लो आप। प्रेरिका और कौन किसके साथ में करेगा? बोलो जल्दी जल्दी। अरे
नंबर ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट बन चुकी है, कलेक्शन का भी पैसा पता है कितना है, ये तो दो चीज हो चुकी है, फिर भी आप लोग को नाम नहीं देना आ रहा है। ये दो चीज तो मैं आपको करा चुकी हूँ, डन कलेक्शन डेकोरेशन और प्राइस का कौन देख रहा है, नंबर ऑफ प्राइस कितने लाना है, डेकोरेशन में क्या करना है, कौन से 300 डेकोरेट कर रहे हो, बोलो मैम। अर्पिता नहीं है, अर्पिता प्राइस देखेंगे मैम। ओके डेकोरेशन कौन देख रहा है मैम, आरती भी नहीं आई है मैम, आरती ले लेंगी। ये हो गया, अब आपको उसके साथ ही साथ बैलेंस शीट भी देखना है। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, मैम वो मैं देख लूंगी। बैलेंस शीट मतलब आपको पूरा बजट देखना है। हाँ मैम। बजट के लिए भी एक आइडिया बता देती हूँ। हाँ मैम। फाइनेंस मैनेजमेंट देखना है तो सबके कॉलम बनाएंगे। डेकोरेशन में कितना पैसा लग रहा है, यहाँ पे पैसा मनी लिखना है आपको, ठीक है। प्राइस लाने के लिए कितना पैसा लगा है, अब हर एक चीज के लिए पैसा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, वो यहाँ पे आएगा। कितने बनाए हैं, 3 सर के लिए, एक सर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए और एक गेस्ट के लिए, एक प्रिंसिपल सर के लिए, एक गेस्ट के लिए और एक डायरेक्टर मैम के लिए, ठीक है। 3 कार्ड बने हैं और एक बड़ा कार्ड बनेगा जिसमें सब टीचर्स रहेंगे, 5-6 जितने भी स्टूडेंट जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है। उसका भी खर्चा ही आएगा, जो भी तुमको चार्ट लग रहा, ग्लू लग रहा, जो भी इसको बनाने के लिए। उसके बाद और कौन से खर्चे है बताते जाओ मैम। जो मनी कलेक्ट की है, डीजे वाले का खर्चा लगेगा। हाँ मैम। कैटरिंग उसका खर्चा लगेगा। और मैम ओनली ये इधर सेकंड इसमें मैम ओनली प्राइस ही लिखनी है मैम, कितने कितने खर्चा आया है। हाँ खर्चा कितना है, जैसा अगर आपने प्राइस 12 लेने हैं आपको तो एक कितने का पड़ रहा है, एक अगर 30 का पड़ रहा है तो 12 कितने का हुआ, कितने का होगा 12, 36। एक प्राइस 30 रुपए का है तो आपने 12 प्राइस लेकर आए हो, कितने का पड़ेगा, 360। वहां पे आपको टोटल अमाउंट लिखना है 360 का, ये हुआ है। और कौन से खर्चा है, डेकोरेशन आ गया, प्राइस आ गया, इनविटेशन कार्ड आ गया, डीजे आ गया, कैटरिंग आ गया, और जो भी बचा है वो सब यहाँ ऐड करो और उसके बाद सबका टोटल आएगा, टोटल करके यहाँ लिखना है अमाउंट। और टोटल जो भी अमाउंट आएगा, जो हमारे पास अमाउंट थी 13,000 उतने अमाउंट के अंदर अंदर आपका पूरा टोटल खर्चा होना चाहिए, समझ में आया। ये आपका फाइनेंस मैनेजमेंट रहेगा। यस मैम। और पूरा शीट प्लान कौन लिख रहा है, पूरा है उसका डेकोरेशन के साथ पूरा टिप कौन बना रहा है मैम। हाँ मैम, ये बजट का सबसे फर्स्ट क्या, सबसे फर्स्ट क्या, आप
आवाज कट रही है शुभांगी आपकी। गर्ल्स गर्ल्स का जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट वर्क ये है ना बजट का मैम। हेलो मैम। हाँ शुभांगी आपकी वॉइस पूरी कट रही है बेटा। हेलो मैम मेरी वॉइस आ रही? हाँ बेटा अब आ रही है बोलो। मैम ये जो बजट का जो मुझे बनाना है वो सबसे लास्ट में रहेगा ना मैम? बेटा बजट का सबसे लास्ट में रहेगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन रहेगा कितने लोगों ने अप्रिशिएट किए, कितने लोगों ने क्या फीडबैक दिया, कैसा लगा डेकोरेशन, आपको कैसा लगा ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करके, ये इवेंट प्लान करके कैसा फील हुआ आपको, आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा, आपको मजा आया, आपको आगे और करने की इच्छा हो रही है। मैम वो फीडबैक भी मुझे लिखना पड़ेगा क्या? फीडबैक मतलब आपको फीडबैक लिखना है कि टीचर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, अदर फैकल्टीज को कैसा लगा, हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, फूड कैसा लगा, सब चीज अच्छी लगी उनको। आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे जब ऑर्गेनाइज करोगे तो? प्रिंसिपल सर से एक बार पूछोगे, बोथ ऑफ थैंक्स बोलोगे या कुछ तो भी बोलोगे ना कि सर पूरे तो आप इवैल्यूएट करो हमारा इवेंट आपको कैसा लगा बताइए, तो सर ने क्या बोले, डायरेक्टर ने क्या बोले, गेस्ट ने जो गेस्ट को आपको बुलाया वो गेस्ट को कैसा लगा आपका, जो भी ऑर्गेनाइज किया, डांस परफॉर्मेंस कैसे लगे, ठीक है। और ये गर्ल्स अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ आपको एक दिन के लिए ही प्लान करना है, दो दिन का प्लान नहीं बनाना है। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? गर्ल्स और किसी को कोई डाउट है? गर्ल्स एनी अदर डाउट्स? नहीं मैम। ठीक है देन मुझे ये मंडे तक कंप्लीट चाहिए। यू हैव अ फ्राइडे या आज का दिन आपके पास है, ट्यूजडे और संडे आपके पास तीन दिन है, मंडे को कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 तारीख तक है, ठीक है। आप कोई डिले नहीं चाहिए, आपको पता चल चुका है एक्टिविटी भी डिवाइड कर दिया है सब, इतना डीप में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको मैंने। अब अपना अपना काम जो किया है उसको डिवाइड करके वो एक रफ पेज बना के आप वो जो भी फाइनल लिख रहा है उसको सेंड करते जाओ। समझ में आया? मैंने स्टार्टिंग बता दिया है आपको, इवेंट कौन सा है, डेट कौन सा है, टाइमिंग क्या है वो, फिर आपके नंबर ऑफ गेस्ट आपको बताया निकालना है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, उसके बाद कलेक्शन क्या क्या है, थीम क्या क्या है, कलेक्शन कितना हो रहा है, डांस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है, ठीक है, ये सब चीजें आपको बताया है, वेलकमिंग कैसा करना है गेस्ट का, स्टूडेंट्स का, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है, 2-3 दिन पहले ही आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपके। गर्ल्स और कुछ कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। अभी मंडे तक है कंप्लीट? यस मैम। अभी ड्यूटी भी डिवाइड हो गई है, अभी ऐसा नहीं है कि ये बात ये फोन नहीं कर रही है, ये बात नहीं कर रही है, ये रिप्लाई नहीं कर रही है, आपको अपने ड्यूटीज उस काम करके जो भी लिख रहा है फाइनल सेंड करना है, ठीक है। और फाइनल लास्ट में कौन लिखने वाला है पूरे पेजेस? मुझे एक ही जन के हैंडराइटिंग में चाहिए। हाँ मैम पहले डाटा कलेक्ट करेंगे मैम सभी जन। आप डिसाइड करो किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसको आप पूरा रफ प्लान बना के दो और वो उसको फेयर करेगा फाइनल। मैम आरती मेश्राम लिख लेंगे मैम, उनकी हैंडराइटिंग बेटर है। बेटा वो लोग आप लोग कोऑर्डिनेट कर लो कौन क्या लिखेगा,
इसकी राइटिंग अच्छी है, कौन अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है, अच्छा कलरफुल आपको बनाना है, ठीक है? यस मैम। अभी आप जितना टाइम है थोड़ा सा आपके पास उसमें में डिस्कस कर लो, कौन क्या प्लान करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है। हेलो जयश्री, हेलो जयश्री, आर यू लिसन टू मी? हाँ शुभांगी बोलो ना। अर्पिता लिखने वाली है क्या ये सब? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उसको, वो है नहीं ना अभी, अभी उसको कॉल करूंगी तो पूछती हूँ क्या बोलती हो। तो फिर उन्हें पूछ लो फिर। हाँ ठीक है। और फिर आप सब लोग जो डाटा कलेक्ट करोगे ना वो मुझे सेंड करना, क्योंकि मुझे फाइनल बजट बनाना है। हाँ हाँ ठीक है। और अर्पिता को भी सेंड करना आप, क्योंकि अर्पिता राइट करने वाले है ना। हेलो अर्पिता, शायद प्राइस का वगैरह देखने वाली है लगता ना, अभी तो बोले। हाँ तो कोई एक पर्सन लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही हैंडराइटिंग चाहिए ना। हाँ तो शुभांगी जो जैसे देख रहा है, जैसे डीजे का है, कैटरिंग का है, ये सब अपने अपने इसमें लिखेंगे ना। हाँ पहले आप अपना लिखना है। हाँ तो अब इसमें लिख के फिर इस फाइनल इसमें भी लिखना है ना ये। हाँ हाँ वैसे करना है। तो वैसे सबको समझा देना, वरना बोलेंगे कि मैं यही करूँ क्या, मैं वही करूँ क्या। हाँ वही तो। और पता है आप सब लोग जो ये करोगे ना, वो अर्पिता को सेंड करना और मुझे भी सेंड करना, क्योंकि मुझे बजट बनाना है, तो वो प्राइस वगैरह सब लिखनी पड़ेंगी ना। समझ गया ना सबको? हाँ हाँ। डेकोरेट कौन करने वाला है? निशा देशमुख। क्या ट्रेन का देख रही ना? क्या बोले शुभांगी? आप कैटरिंग का देख रहे, फिर डेकोरेट कौन करने वाला है? मैं कैटरिंग का ही देखने वाली हूँ। ठीक है फिर, आरती और स्वाति है। आरती देख रही हूँ। डेकोरेट का पता नहीं, डेकोरेट का शायद आरती कर लेंगे। हाँ और स्वाति? मेरा तो करेक्शन का काम है ना। हाँ ठीक है ना। कहा गई है अभी तो थी ना आरती? स्वाति बजट देख रही लगता है ना। क्या स्वाति बजट का देख रही ना? साल का बजट देख रही, वो नहीं पता। बजट तो मैं देख रही, मैंने सब मैम को बताया, उसके पहले उसने बताया ना बजट के लिए। नहीं एवरेज बोला था किसी तो। हाँ एवरेज, सॉरी एवरेज के लिए, एवरेज है वो। मंडे तक कंप्लीट करना है, बाकियों को बताओ शुभांगी, मुझे साड़ी बनाना है। मंडे तक कंप्लीट करना है तो आप जल्दी जल्दी बनाओ, हम भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। आपको कुछ नहीं समझाना तो आप मैम को पूछना। हेलो रिप्लाई तो दो। हाँ शीतल, पेरिका, आप लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे बेटा? तबाजी नंबर है ना? हाँ मैम। ये बेटा रिप्लाई दो उनको। हाँ मैम। एक्टिविटी? यस मैम। मैम हेलो मैम। हाँ बोलो मैम। रियल में पैसे कलेक्ट करने हैं क्या? कौन है ये बेटा, शुभांगी हो क्या मैम? किसने क्वेश्चन किया ये? नहीं शुभांगी मैम। शुभांगी ने मैम।
ओके तो मतलब आप लोग अभी तक नींद में ही हो? नहीं मैम, मतलब कि वो वेजेस तो ले सकते हैं, फिर कौन से पैसे लगेंगे? और शुभांगी ऐसे ऐसे लिखना है अपने को कितना मतलब खर्चा होगा, कितना ही होगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब लिखना। हाँ वो तो पता है, बट हमें भी सबको पैसे देने हैं क्या मैम? नहीं आप लोग कौन से पैसे की बात कर रहे बेटा? शुभांगी थोड़ा सा अच्छे से बताओ। मैम वो बोल रहे जैसे कि फाइल के लिए पैसे लगेंगे, पेजेस के लिए। नहीं नहीं वो नहीं, मतलब प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं ना मैम, तो वो अकेले कैसे परचेस कर सकते हैं, सबको कलेक्ट करना पड़ेगा ना मैम। एग्जैक्टली इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, प्रिंट आउट भी आप कितने निकाल रहे हो, एक या दो ही पेज निकाल रहे हो, उसका कितना आएगा? 20 रुपए। पेजेस ले रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसका मतलब आपको हार्डली 30-40-50 रुपए तक का खर्चा जाने वाला है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं जाएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। फाइल भी 10-12 रुपए की मिल जाती है आराम से। और आप लोग 6-7 लड़कियां अगर 8-8 रुपए भी या 10-10 रुपए भी कलेक्ट किए तो इजीली हो जाता है, इतना कोई बड़ा खर्चा हाँ। नहीं करना है आपको फाइल बनाने के लिए भी। हाँ मैम, प्रेरिका आप पैसे ले लेना, फिर हम जब असाइनमेंट देते समय मिलेंगे तब पैसे कैसे लूंगी? कैसे लूंगी मतलब ग्रुप एक्टिविटी है तो सबको कलेक्ट करना पड़ेगा ना, सब देंगे ना, ऐसे थोड़ी है। हाँ शुभ ग्रुप में ऑनलाइन सेंड करो बेटा, ऑनलाइन है कि नहीं आपके पास ऐप? है मैम, ऑनलाइन गूगल पे मैम। हाँ ऑनलाइन फैसिलिटी है, उसमें सेंड करो। अगर कोई आसपास ही घर के तो वो कोई उसको जाके हैंड ओवर करो, कैश ही दो, और जो दूर है उसको ऑनलाइन सेंड कर दो पैसा। मैम कितने रुपए कलेक्ट करना है सभी से? अभी आप देखो बेटा आपको कितना खर्च पड़ सकता है, आप खुद एस्टिमेट लगाओ, फाइल के लिए, पेपर्स के लिए, प्रिंट आउट के लिए कितना लगता है सब। हाँ दीक्षा बोलो ना। जैसे कि जितने पेजेस हमको लगेंगे उतने ही खरीदना है, और फाइल के लिए लगेंगे तो जितने की फाइल होते हैं सबसे मतलब 50-50 जितना आता है उतना कलेक्ट करना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। नंबर ऑफ बर्ड्स पे डिवाइड कर लो कितना खर्च हुआ है आपका। हाँ वही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम जितने लोगों ने सभी का टोटल करके पैसे कलेक्ट करना पड़ेगा ना? अरे यार पहले आप अपने पैसे दे देना अपने पास, जब हम मिलेंगे ना तो दो, सभी दे देंगे। फाइल और पेजेस का बाद में देखेंगे ना। हाँ। पहले सबको इन्फॉर्मेशन लिखने तो दो। अरे तो लिख रहा है वही खरीदेगा ना, लिखेगा कहीं और खरीदेंगे कहीं और, तो ऐसा थोड़ी ना होगा दीक्षा। बट उनका भी वो वर्क है ना, तो उनको वो करना पड़ेगा ना। बेटा आप लोगों का आगे पीछे होगा, सपोज पहले देखो निशा ने अगर सेंड कर ले तो वो निशा का राइटिंग वर्क शुरू कर देंगी, तब तक के वो क्यों खाली पीली बैठ देंगी? अगर किसी एक का भी आता है तो वो अपना काम शुरू कर देंगे लिखना। प्रेरिका आप सारी चीजें ले लो, खरीदो और सबको बता दो कि इतना पैसा लगा है टोटल। हाँ मैम जब मिलेंगे तब दे देंगे। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से इसको डिवाइड करो, अगर 50 रुपए हो रहे तो उसको 6 से डिवाइड करो, 60 हो रहे तो उसको 6 से डिवाइड करो, तो अपने आप वो कैलकुलेशन में पता चल जाएगा किसके ऊपर कितना आ रहा है कंट्री करने के लिए। ठीक है? यस मैम। और बाकी कुछ और चीजें है डिस्कस करने की तो ग्रुप में करो अपने इसमें, और अच्छे से अपना पूरा ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करो। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्लास के लिए मैं मिलती हूँ फिर तुमको थोड़ी देर में। यस मैम, थैंक यू मैम। कॉल मी प्लीज। यही पे रुको ना सब, कॉल पे बात करने के लिए यही पे बात कर लो। हाँ ठीक है ठीक है, ये सही है। हाँ शुभांगी कौन लिख रहा है? देखो ना कोई भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके हैंड राइटिंग अच्छी हो वो लिखे। नहीं मतलब बोलो ना प्रेरिका, मतलब प्रेरिका तू प्रेरिका वो अलग। हाँ तुम्हारा कौन सा वर्क है? अरे पैसे कलेक्शन करना है। अरे तो कलेक्शन करने का वर्क है ना, तो कलेक्शन करना किस बात का है? वो फाइल का मैनेजमेंट तुम कैसे देखोगे? वही तो बात है ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये पैसों का कलेक्शन बोले हैं। इनविटेशन कार्ड के लिए कितना पैसा लगेगा, वो फाइल के लिए वो बस जैसे कि पैसे कलेक्ट करना है, वो बाकी इसका थोड़ी ना लगना है। फाइल वाइल तुम थोड़ी ना खरीदोगे, जो लिख रहा है वो खरीदेगा ना। वो बोल रही है फाइल पेजेस क्या, उसका काम थोड़ी ना है वो।
हाँ ये भी सही बात है, 5 pages तो आप लोग और अपने से लोगे ना, लिख रही है लिख को ना, नहीं ट्रेनिंग का नहीं लिख रही है, मैं सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रही हूँ जो लिखेगा ना, मतलब जो लिखेगा कोई भी पूरा कचरा बाजार कर रहे। रुको तो अर्पिता लिख रही कि आरती लिख रही है, पेरिका पता नहीं उनको पूछते हैं कौन लिख रहा, तो अभी बोलो दोनों क्या चीज ग्रुप में, वांगी शुभांगी पहले देखो कि लिख कौन रहा है, पहले ये कंफर्म कर लो उसको बताओ कि इतना इतना लगेंगे तो सबको दे देंगे। हाँ ठीक है ना, ठीक है क्योंकि फिर बाद में बोलेंगे एक जन आरती को कोई नहीं लिख, हेलो आरती को एक जन आरती को कॉल करो और उसको बोलो एक जन आरती को कॉल करो। हाँ ठीक है मैं करती हूँ, मैं आरती को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ, ठीक है। जय श्री। हाँ स्वाति ला बोलो ना, डायरेक्ट ज्वाइन तो वाला लाओ ना, कॉल कॉल स्वाति ला ज्वाइन वाला लाओ ना। हाँ ठीक है मैं आरती को ज्वाइन होने के लिए बोल, और स्वाति को भी बोलना। हेलो हाँ बोलो। हाँ बोलो शुभांगी। हाँ मैंने आरती को कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि बैंक में है और बोल रहे थे कि मैं लिख लूंगी। उसको पूरा बताया क्या क्या मतलब उसको जो जितना ये वो सब बताया ना कि फाइल करना पेजेस वगैरह? नहीं ये तो नहीं बताया, वो बैंक में थी ना इसीलिए, बट कर लेंगे ना, उसमें क्या है हम दे देंगे ना, बता देना क्योंकि एंड टाइम पे नानी बोलना चाहिए क्योंकि नहीं नहीं नानी बोलेंगे ना, उसमें क्या है यार हम जब मिलेंगे तब देंगे। हेलो हाँ सब जन अपना माइक ऑन करो, अर्पिता आ रही है अभी। कहाँ मतलब जय श्री राम, अर्पिता आ रही है अभी, उसको कॉल कर, अर्पिता आ रही है, अर्पिता मैं स्वाति ला कर दो फोन। हाँ ठीक है करो, सुनो पहले माइक ऑन करो सब जन अपने कपड़े वालों ने। हेलो हाँ आपने तो अभी कोई है कोई नहीं है, अर्पिता को भी आने के लिए टाइम है तो टाइम बता दो, 1 बजे सब कॉन्फ्रेंस पे ले लो, कौन क्या करने वाला है डिसाइड एक बार अच्छे से करना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। 1 बजे नहीं ना यार 2 बजे। हाँ 2 बजे कितने भी बजे जब सब खाली रहेंगे तब। हाँ ठीक है ना। हेलो अभी यहाँ पे तो अर्पिता आ गई। हाँ ठीक है अर्पिता आ गई, अर्पिता आ गई। अरे पर आरती और अर्पिता है ना तभी तो पता चलेगा। हेलो अर्पिता हेलो कहीं समझ क्या दे आ गई वो कल पे बात करेंगे ना, यहाँ पे नहीं करते। अर्पिता फिर से नहीं सुन रही लगती कॉलेज का अपना, अरे वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर रही है। अर्पिता जान दो। हाँ बोलो। मैंने माइक शुरू किया तो आप किसी को सुनाई नहीं देगा कुछ भी। हे भगवान दे रहे सुनाई आप बोलो। 2 बजे कॉल कर लो सब फ्री हो जाएंगे। Sorry, but I can't. What I can't? क्या क्या बात कर रही तुम? कल समर कर बोल। हेलो अर्पिता भगत। हाँ बोलो ना। चुपचाप रहना होगा। आप राइट कर सकते हो ना? मैं दीदी की शादी में हूँ।
हाँ ठीक है, आप इंजॉय करो, हम 2 बजे कॉल करते हैं 2 बजे सबको, ओके? हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी जाओ घर, अपने अपने घर पे जाओ, चले पूजा खाना खाने आ जाना, मैं कैटरर्स का देने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सब। हाँ खर्चा तुम दे देना मेरा भट्टा। शांत रहो कॉलेज, ठीक है सब जन को।